अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ जुमे के दिन वाली डीप क्लीनिंग शेयर करूंगी। और चावल से बनाती हूँ मैं फिरनी, और इसको आप चावल का मतलब डिज़र्ट भी बोल सकते हो, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और थोड़ा सा रूटीन भी। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैंने मतलब काफ़ी दिनों से कारपेट को क्लीन नहीं किया था, तो ब्रश से मैं कर लेती हूँ, तो जो भी मतलब थोड़ा बहुत कचरा वगैरह होता है तो साफ़ हो जाता है, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। और थोड़ी सी खिड़की वगैरह झटक लूँगी सबसे पहले, और उसके बाद मैं गीले वाले कपड़े से क्लीन करूँगी। तो सोफ़े मैंने काफ़ी दिनों से मतलब निकाले नहीं थे आगे, तो उसको मैं बहुत ही अच्छे से पीछे वाले एरिया सारा डीप क्लीन करूँगी। तो जुमा का दिन है तो सब कुछ मतलब अच्छे से साफ़ हो जाएगा, और ईद भी आ रही है तो ईद से पहले मैं एक बार और कर लूँगी। वैसे मैं वीकेंड में एक बार निकालती हूँ इस तरीके से, और सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। हर रोज़ तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है ये सोफ़ा, और उसका जो कुशन्स है वो भी बहुत ही बड़ी साइज़ में है, तो इसको निकालने में, उसको रखने में, सेट करने में मतलब पूरा आधा घंटा मेरा निकल जाता है। तो हर रोज़ तो मैं नहीं करती हूँ, वीकेंड में इसकी डीप क्लीन करती हूँ, और दो तीन दिन में इसको मैं कवर निकाल कर अच्छे से बिछा देती हूँ। और कवर में हमेशा मतलब 10-12 दिन में वॉश कर लेती हूँ, तो अच्छे से क्लीन रहता है। और थोड़ा सा कपड़ा मैंने हल्का गीला किया है, और इससे मैं सारी खिड़की क्लीन कर लूँगी, तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा लगता है। सारी चीज़ें क्लीन रहती है आंखों के सामने, तो बहुत ही सुकून मिलता है जैसे। और कल से 2 दिन से मैं सोच रही थी कि इसको मुझे सफाई करनी है, और टाइम इस तरीके से निकल जाता है पूरा दिन, नमाज़ और कुरान शरीफ सारी तैयारियाँ शाम की करनी पड़ती है, तो नींद भी पूरी नहीं होती है, तो मतलब ये सारा काम रह जाता है। पर फिर भी आज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लिया है, क्योंकि किचन में आज कम काम था, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इसकी डीप क्लीन कर लेती हूँ आगे वाले रूम की, और स्टेप स्टेप करके सारे रूमों की मैं कर लूँगी डीप क्लीन। तो तब तक ईद भी आ जाएगी, और लास्ट जो 5-6 दिन बचते हैं उसमें हमें ईदी बनानी होती है, तो टाइम तो बिल्कुल बचता ही नहीं है। और मुझे बहुत सारा पैकिंग भी करना है, तो एक साथ जैसे कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करती रहूँगी तो सब आसान हो जाएगा, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा ईद आते आते। और सब मैनेज भी करना पड़ता है, कपड़े वगैरह, उसका दुपट्टा मैचिंग करना, मतलब बच्चों का सब कुछ बहुत ही ज़्यादा रहता है रमज़ान में, लास्ट मोमेंट पे मतलब जितनी भी तैयारियां करो कम ही पड़ती है। तो अच्छे से मैंने झाड़ू लगा लिया है आगे वाले रूम को, और बार बार मैं कैमरा घुमाती नहीं थी, और इसको स्टॉप करके पीछे भी मैं साथ साथ लगा लिया था मैंने झाड़ू। और जितनी फास्ट फॉरवर्ड मैं आपको मैं दिखा रही हूँ, अगर इतनी ही मतलब फास्ट हम काम कर पाते तो पूरे दिन मतलब हर रोज़ मैं इसकी डीप क्लीन करती पूरे घर की। इस तरीके से मैं अकेले अकेले सोच रही थी, वीडियोज़ को वॉच करती हूँ, एडिटिंग के बाद सबसे पहले मैं वॉच कर लेती हूँ वीडियोज़ को, तो सोच रही थी और हंस रही थी कि इतने अच्छे से इतनी फटाफट में अगर क्लीन कर लेती तो बहुत ही अच्छा होता, और हर रोज़ मैं पूरा घर डीप क्लीन करती। तो सोफ़े का ये जो कॉर्नर वाला एरिया है वो सारा लेदर में बना हुआ है, तो आप हाथ भी रख मतलब रख देते हो गंदा तो वो क्लीन हो जाता है, और पैर भी, पैर वाला जो हिस्सा है वो भी लेदर में रखा है तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जो कॉटन वाला ऊपर है उस पर मैं हमेशा कवर बिछा के ही रखती हूँ, जब मैं डोने निकालती हूँ बस तभी निकालती हूँ, और एक्स्ट्रा मेरे पास है, पर अब वो नए घर में सूट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, उसका बहुत ही ज़्यादा ब्राउन डिप कलर है, तो उसको मैं नहीं बिछाती हूँ, बस ये धो के यही बिछा देती हूँ। ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था, पर ये बिल्कुल भी मतलब खिसकता ही नहीं है कवर। और अहमदाबाद से मैंने सारी शॉपिंग की है, ये जो पर्दा आप देख रहे हो मतलब जो कवर है सोफ़े का, वो सब कुछ मैंने अहमदाबाद से स्पेशली इसकी मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, और ये बिल्कुल भी मतलब निकलता नहीं है, आराम से 2-3 दिन आराम से चल जाता है। और ये कारपेट भी मैंने जो पहले वाले घर में था वो एक्सचेंज करवा के ये वाला ले लिया है, और ये वेलवेट फॉर्म में है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसी पे हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्लीन ही रहता है, इसको मैं हर मंथ 2 मंथ में वॉश करती रहती हूँ, तो ये अच्छे से क्लीन भी रहता है। और रूम मेरा कम्प्लीट नीट एंड क्लीन हो चुका था, और किचन को मैं लास्ट मोमेंट पे करती हूँ, जो सब कुछ किचन का काम हो जाता है उसके बाद ही मैं करती हूँ। पार्किंग एरिया मैंने पूरा वॉश कर लिया था, कपड़े बर्तन सारे डिशवॉशर में लगा दिए थे, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, बर्तन डिशवॉशर में लगा दिए थे, और सारा काम हो चुका था। और इसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि शाम की तैयारियाँ भी हमें साथ साथ में करनी रहती है, पर आज थोड़ी सी कम थी तो सोचा कि आगे वाली क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच दूध ले लिया है, और इसमें मैंने 3 चम्मच चावल को पीस लिया है। ये छोटू सा जो मेरा मिक्सर है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, और छोटी मोटी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पीस देता है, मतलब इतने अच्छे से मतलब बारीक ग्राइंड कर देता है ये, कि बहुत ही आसान हो जाता है। सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है,
तीन से चार बड़े चम्मच भर के मैंने दूध ले लिया है, जैसे कि 3 कप जितना मैंने दूध ले लिया है। और इसमें 3 टेबलस्पून भर के चावल पीस के डाल दिया है, इलायची पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, वैसे ज़्यादा हो तो दिक्कत नहीं रहती है, अच्छा ही लगता है ड्राई फ्रूट तो। और मसाले हो तो आप क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हो। और इसको स्लो फ्लेम पे हम होने देंगे और चीनी भी हम अपने हिसाब से ही डालेंगे, जितनी जितनी क्वांटिटी में हम ले रहे हैं उस हिसाब से हम कम या ज़्यादा खा सकते हैं चीनी, तो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। और स्लो फ्लेम रखूँगी तो बहुत ही अच्छे से हम पकाएंगे चावलों को, वैसे तो हमने बारीक पीस ही लिया है, पर फिर भी स्लो फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, जैसे कि हम कस्टर्ड बनाते हैं उस फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद हम निकाल लेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये, कल भी मैंने बनाई थी तो जैस्मिन को बहुत ही ज़्यादा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो जैस्मिन बोल रही थी कि मम्मी अगले दिन भी यही बनाना, मतलब दूसरे दिन नेक्स्ट डे भी यही बनाना, तो सोचा कि चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से बन जाती है। चावल का हम खीर बनाते हैं तो आराम से आधा पौना घंटा ले लेता है, पर यहाँ पर ये 10 से 12 मिनट में ये रेडी हो जाता है, जैसे कि 10 से 12 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है। और ये प्लेट मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, इसको मैंने अजमेर शरीफ से ली थी, तो इसमें मैं हमेशा निकालती हूँ ऐसी चीज़ें। चाइना ग्रास का जो हलवा बनाती हूँ वो भी इस तरीके से इसमें निकाल लेती हूँ। और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, दोपहर में मैं सो गई थी और शाम का टाइम हो चुका था, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फटाफट मैं सारी चीज़ें फ्राई कर रही थी। सबसे पहले मैंने सब कुछ सेट कर दिया था और उसके बाद मैं फ्राई कर रही थी। मैंने पकोड़े भी बनाए थे आलू के, फिर ज़्यादा आलू मैंने बॉईल कर लिए थे कल, तो थोड़े से बचे थे, तो उसके मैंने वड़ा भी बना लिए थे, जो हम भरूस में बोलते हैं इसको आलू वड़ा, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है वो भी, मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी उसकी रेसिपी भी। तो सारा खीरा मैंने एक साथ ही भिगो दिया था और उसमें मैं इसे भिगो भिगो कर सब फ्राई कर रही थी। और कल की जो थोड़ी सी स्टिक ये बची थी, बटरफ्लाई बची थी सॉरी, तो इसको भी मैंने फ्राई कर लिया था, और बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस इतना ही फ्राई कर लिया था। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में बहुत सारा याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।